बताओ यार, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। हाथी ने सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, इनके पीछे पीछे चलना पड़ा है। हाथी का पिछवाड़ा देखो, हाथी का पिछवाड़ा। चलो हे गाइस, दिस इज राघव शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइल्ड एडवेंचर। सो गाइस, इस समय मैं हूँ राजस्थान के जयपुर ज़िले में और मैं इस समय जा रहा हूँ हवा महल की ओर। सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं और आज डेट है 27। कल रात को मैं जयपुर पहुँच गया था एंड मैंने स्टे किया था रात को ही, पूरी रात मैंने स्पेंड करी है स्टेशन पे। और स्टेशन से फिर मैं सीधा यहाँ पे आया, 3:30 बजे यहाँ से स्टेशन से निकल लिया था। एक्चुअली क्या हुआ था, सुबह सुबह वहाँ से उठा देते हैं लोग क्योंकि वहाँ एक्चुअली सफाई चलती है ज़्यादा ज़्यादा। तो मैं यहाँ से जयपुर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जयपुर में अमेर किला और हवा महल, हम ये दो चीज़ देखेंगे और यहाँ से सीधा निकलेंगे जोधपुर के लिए। सो फटाफट अब यहाँ से आधा किलोमीटर है कुछ, सुबह से ही वॉक कर रहा हूँ, बस चलते हैं जर्नी। आइए हवा महल की ओर चलते हैं। सो गाइस, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं हवा महल है और ये हवा महल बनवाया गया था एक्चुअली रॉयल फैमिली की जितनी भी लेडीज़ थी उनके लिए, क्योंकि उनको बाहर जाने की इजाज़त तो थी नहीं क्योंकि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे 953 विंडोज़ हैं छोटी, तो वहीं से सारी जो जितनी भी लेडीज़ थी रॉयल फैमिलीज़ की वो स्ट्रीट में हो रहे फेस्टिवल्स डेली रूटीन लाइफ को देख सकती थी, और लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था क्योंकि विंडोज़ ही बहुत छोटी हैं। गाइस, हवा महल के अंदर जाने के लिए तो देखो पैसे लगते हैं और मैं तो विदाउट में ट्रैवल कर रहा हूँ तो कोई चांस ही नहीं है अंदर एंट्री मिल जाएगी। और ये आई थिंक 9:30 बजे खुलता है। अब मैं जा रहा हूँ अमेर किला जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, और अगर ज़्यादा रहा तो हिचाइक कर लूँगा, बट 1.5 किलोमीटर है, चल ही लेंगे, है ना। आइए, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से मुझे निकलना है जोधपुर के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। गाइस, यहाँ तो लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, इनफैक्ट गूगल मैप ने तक कंफ्यूज कर दिया। गूगल मैप बता रहा है यहाँ पे 1.1 किलोमीटर था हवा महल से अमेर फोर्ट, लेकिन कोई बता रहे हैं कि 15 किलोमीटर है। एक बंदे से ही मैंने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि 5.5 ऐसी कुछ किलोमीटर है, 5.5 या फिर 6 किलोमीटर है। तो मैं तो उस रूट पर चले जा रहा हूँ, बाकी कुछ आइडिया नहीं है कितनी दूर है कितना नहीं, पूछते पहुँच ही जाएंगे। बट कुछ लोग कह रहे हैं वॉकिंग है, कुछ कह रहे हैं कि बस ले लो, दूर है काफ़ी, ये वो, तो देखते हैं यार, कंफ्यूजिंग है यहाँ पे काफ़ी। कोई सही बता ही नहीं रहा है, इनफैक्ट वहाँ के लोकल है वो, तब भी ये हाल है। एक कह रहे हैं 10 रुपये लेते हैं, बस मिल जाएगी आपको बस। मैंने नहीं यार अंकल जी, मैं विदाउट मनी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इस वजह से कह रहे विदाउट मनी क्यों कर रहे हो, पैसे नहीं है ये वो। मैंने अंकल जी इट्स ओके थैंक यू, मैं खुद मैनेज करता हूँ, कह रहे हो ओके बेटा। तो चलते हैं, वॉकिंग करते रहते हैं क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता कि इस साइड पे भी कोई लिफ्ट देगा क्योंकि पूरी मार्केट प्लेस है, बाकी ट्राई करता हूँ। चलो, ये अमेर फोर्ट कितनी दूर है? अमेर फोर्ट 8 किलोमीटर रूट कौन सा सर्कल से आगे से? थैंक यू। अब बताओ, कोई कह रहा है 15, कोई कह रहा है 5.5, ये कह रहे हैं अब 8 किलोमीटर। मैं किसकी मानूँ, गूगल इनफैक्ट 1.5 किलोमीटर बता रहा है, सॉरी 1.1। हाँ, देखते हैं यार कौन कितना बताता है। चलो निकल रही हैं, तो अब देखते हैं। अच्छा लग रहा है वैसे, जगह जगह निकले जा रही हैं।
एलिया टाइप की। तो चलिए हम एयरपोर्ट की ओर ही प्रस्थान करते जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे चेक करके देखते हैं आमेर के लिए। एक बंदा और मिला था, वो कह रहा था 15-20 किलोमीटर है, तो अब देखते हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट की तरफ नो, मैंने एक वीडियो देखा था, बुलेट बुशेर करके कोई यूट्यूबर है उसका था, वो राजस्थान में आया था, उसने जयपुर रिजॉर्ट में नहीं कर रहा था, तो मैंने उसका देखा था वीडियो, तो उसमें वो दिखा रहा था कि जयपुर में बहुत मुश्किल से उसे लिफ्ट मिल रही थी, तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा था। बाकी देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा जाता है जयपुर का, आगे का तो पता ही नहीं, बट लिफ्ट लेके देखते हैं यार कोई दे दे तो। बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से कोई लिफ्ट देगा, तो काफ़ी लोगों ने मना कर दिया, हाथ ही हिला दिया इन पर, कह रहे नहीं। और आगे चल के मैं सोच रहा हूँ आगे चल के लूँ, है ना, चलो आगे चलते। और यहाँ हमारे दिल्ली देख लो, दिल्ली में गाड़ी के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, कुत्ता बिल्ली दिख जाएंगे, बिल्ली नहीं कुत्ता दिख जाएंगे, लेकिन हाथी वगैरह यार ये तभी जयपुर आते लोग, जयपुर आओ, राजस्थान आओ, किले देखो, बहुत चीज़ें यहाँ देखने लायक यार, यहाँ कल्चर बहुत ही अच्छा है। बट कल्चर बाद में देखेंगे, पहले मुझे लिफ्ट चाहिए। यहाँ तो बहुत मुश्किल ही होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। एक मिनट रुकिए तो अंकल जी, मुझे आमेर फोर्ट जाना है, आप रास्ते से आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट जाना था आपको, होली के होटल तक सोचो, रास्ते के अंदर मत जाते हो, तो जा रहा नहीं, मैं विदाउट मनी ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब बिना पैसे पर ट्रैवल कर रहा हूँ, जहाँ तक भी जा रहे हैं मुझे आगे तक छोड़ रहा हूँ। थैंक यू। आपका नाम? अकरम। अकरम? अकरम, अकरम। अकरम, ओके, मेरा नाम राघव है। कोई ना कोई मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय। तो गाइस अंकल जी ने मुझे जाना, इनको पीछे ही था, इन्होंने मुझे 1-2 किलोमीटर आगे और छोड़ दिया है। अब यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर है, बाय वॉकिंग जा सकते हैं, तो अब देखते हैं आगे आमेर फोर्ट। चलिए, ओहो भाई देखो कितनी स्पीड में आ रहा है, मतलब कि लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है। थोड़ा आगे चल के लिफ्ट लेने की कोशिश करूँगा एक बार, नहीं तो बाय वॉक तो जा ही सकते हैं यार, वैसे ही बहुत चलाऊँ। डलहौजी जब से गया था, खजियार का जो ट्रैक था, वो जब से किया है ना आदत ही बन गई यार, मायने रखता है 20-22 किलोमीटर चलना। तो गाइस यहाँ से लिफ्ट लेते हैं, देख रहे हो पूरे जंगल में, जंगल के बीचों बीच रास्ता, मजाक कर रहा हूँ, कोई जंगल नहीं है, छोटी मोटी पहाड़ी है, लेकिन आगे चल के पूरे पहाड़ पे फोर्ट है, तो वो चीज़ देखने जाएंगे ऊपर। अगर एंट्री मिल गई फोर्ट में बिना पैसों के तो ठीक है, नहीं मिली तो आपको बाहर से दर्शन करवा के जाएंगे, आप फिर कभी अपने आप आना, पैसे देना और घूम लेना, सिंपल फंडा। तो अभी चेक करके देखते हैं, अभी तो कोई गाड़ी नहीं आ रही वहाँ से, बट हाँ मेरे पीछे से बस बस आ रही है, सो देखते हैं भैया जा रहे हैं आ रहे हैं। आमेर फोर्ट की तरफ छोड़ दोगे? आमेर फोर्ट, चलो थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या चीज़? सूरज चौधरी। मेरा नाम राघव है, एक्चुअली दिल्ली से हूँ मैं, विदाउट मनी ट्रैवल कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ये वाली सीधा, थैंक यू। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ ये अपने आमेर फोर्ट में, अभी अंदर जाके दिखाएंगे, तो चलिए चलते अंदर।
सो गाइस एंट्री ले लिया मैंने अमेर फोर्ट में। आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, ये जो वो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, वहाँ पे एंट्री नहीं जा सकता, मैं जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ टिकट लगती है। बट इस साइड में थोड़ा ऊपर जाऊँगा एंड थोड़ा सा देखूँगा क्या है। यार हमारे हिंदुस्तान में कितना कुछ है देखने को, फिर भी लोग बाहर जाते हैं। पहले इंडिया तो एक्सप्लोर कर लो। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है जो ट्रैवलिंग वीडियोज़ बनाते हैं, बट वो ना फॉरेन ट्रिप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैंने क्या, पहले हिंदुस्तान तो देख लो अपना पूरा, हिंदुस्तान में बहुत कुछ है देखने के लिए। सो बट नहीं देखते, चलो वो सब तो उनके ऊपर है, क्यों भाई। बट हम पहले हिंदुस्तान देखेंगे पूरा, उसके बाद हम फॉरेन ट्रिप करेंगे। मैं इंडिया की हर स्टेट देखना चाहता हूँ, हर सिटी ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो राजस्थान आ गए, चलो जी ऊपर चलते हैं। अब मेरे चढ़ेंगे सांस, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं स्टेयर्स। अभी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। गाइस स्टेयर्स चढ़ चढ़ के मेरी थाइस बुरी तरह पंप हो गई है, थोड़ा और ऊपर जाते हैं फिर आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा। गाइस जहाँ से आपको व्यू दिखाना है मुझे, बट सन की डायरेक्शन भी उधर ही है, सन भी उस साइड ही है, तो क्लियर पता नहीं दिखेगा ही दिखेगा। कितने रुपए सवारी अंकल? 1100 रुपए का। 1100 रुपए पूरा फोर्ट? नीचे से बैठा के ऊपर आपको छोड़ देगा। ओके, 1100 रुपए में आपको हाथी मिलता है जो नीचे से स्टार्ट करता है और ऊपर तक छोड़ के आता है। और अगर आपको इस हाथियों में सफारी नहीं करनी तो आप जीप से भी जा सकते हैं, बट जो मज़ा हाथी की सवारी करने में वो जीप में नहीं है। सो गाइस यहाँ तक अभी तक सिंगल रुपये भी खर्च नहीं हुआ है, तो बाकी चलिए अब जोधपुर के लिए निकलते हैं। और जोधपुर के लिए मैं कैसे गया, हिचहाइक ली, क्या करा, वो सब आपको देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी लाइक कर देना यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पसीने आ रहे हैं, सूरज के एकदम सामने ही हूँ, ठंड में पसीने, ये राजस्थान का कमाल है, राजस्थान में यही हाल होता है ठंड में पसीने, क्योंकि ये एक हिल एरिया है, यहाँ पे सूरज काफ़ी तेज़ पड़ता है मुँह के ऊपर। बाकी गाइज लाइक करो, कमेंट करके बताओ, और प्लीज़ यार शेयर ज़रूर कर दो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा फैलाओ। बिना खाए पिए कुछ यार मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ विदाउट मनी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लिव योर ड्रीम, लिव योर लाइफ, बाकी सब चल। बताओ यार रास्ता ही नहीं मिल रहा है, हाथी ने सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, इनके पीछे पीछे चलना पड़ा है। हाथी का पिछवाड़ा देखो, हाथी का पिछवाड़ा। चलो ये है गाइस, जैसे टैक्सी स्टैंड होता ना, ये हाथी स्टैंड है, ये पूरा हाथी स्टैंड है, यहाँ पे हाथी हाथी दिखेंगे आप लोगों को। आगे देखो भैया, आगे आगे बोलो, अरे आगे बोलो, देखो आगे क्या रहा। अच्छा हाथी स्टैंड देख रहे हो, कितने हाथी हैं।